इस वक्त हम मौजूद हैं शामली विधानसभा सीट के गांव लीलोन में। आपको बता दें कि यहां पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अपने दरवाजों पर लिखा गया है कि बीजेपी के आने वालों का सख्त मना है, अगर आएंगे तो उनका लठ से स्वागत किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ पर हमारे साथ अम्मा जी भी, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? राजवीरी। अच्छा ये बताओ, आपने जो अपने मकान पे लिखा हुआ है, इस मकान के अंदर आना बीजेपी वालों का मना है, क्यों, क्या बात है? जी मेरे लिए कुछ कह रहा नहीं सरकार ने, अरे बिल हमारे भी बढ़ा रखे, तेल हमारे बढ़ा रखे, कोई मारे लिया तो जाटू के लिया तो किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं करी, नू मना है। अच्छा बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। ये तो कहते ही रहे हैं, जट किसान तो नहीं है बेटा, पर्ची नहीं भूनते, मिल वाला गन्ने ले ले साल भर में वो पर्ची भूनने, पहले हमारे 15वां दिन परमिट हो जाते, हम तो खुशहाल थे, इनका का मिल हुआ, हम तो भूखे मरे हैं। समस्या है? हाँ समस्या है, बिल मारे नुगे नुई बिल माफ करे मारे हैं, अरे मारे तो बहुत मुसीबत है मारे, हमें तो किसानों की, तो किसानों के लिए कुछ नहीं करा इन्हें। तो और भी हमारे साथ ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार जी। अच्छा अंकुर जी, कितने लोगों ने अपने मकान पे लिखा हुआ है कि ये तो जी पूरे मोहल्ले में लिख रहा है जी, हमारे तो जिस मोहल्ले में रह रहे हैं हम, इसमें इधर से इधर तक सब मोहल्ले में लिख रहा है जी। क्या समस्या है? समस्या है जी, सबसे ज्यादा तो बिजली का बिल है, पूरे भारत में यूपी तक ज्यादा बिजली का बिल कहीं नहीं है। अच्छा योगी जी ने तो माफ कर दिया किसानों का बिल जो है, कहा माफ कर दिया, 5 साल इलेक्शन है, जब माफ कर दिया इलेक्शन तो बाद में फिर भाई सारे ब्याज सुधा ले हुए है, तो भाई मैं आप मूव कोई नहीं करते तो बकावे है, तो बकावे युवा बकाए में आगे थे इनके, ये बका नहीं बकाए में इनके, ये बका तो लाठी धरी कोड़े पीछे बुद्धि ठीक कर दागे, तो लट से स्वागत करो। हाँ बजा का तू ही कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं आने की, यहाँ से और पार्टी क्या आ जाए, और पार्टी कोई आ जाओ, किसी को कोई दिन मना नहीं है, केवल बीजेपी वालों, बीजेपी वालों के लिए मना है, बीजेपी वाले नहीं आने चाहते यहाँ से। तो इनका कहना है अगर बीजेपी वाला कोई भी आ तो लट से स्वागत किया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक चौधरी है। अच्छा ऋतिक जी, आपके भी मकान पे लिखा हुआ है? हाँ जी। क्यों लिख रखा है? भाई बीजेपी से नफरत है, इसने कुछ नहीं करा, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करी और इनके बस की कुछ नहीं है जी, युवा तो सभी राष्ट्रीय लोकदल पे है, हमारे यहाँ का तो सभी एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल पे है। बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, कुछ विकास नहीं करा जी, युवाओं से पूछो, पढ़े लिखे भी नहीं घूम रहे, कोई भर्ती नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं करा जी, जितनी भी भर्ती आई पेपर भी हुए उनके भी पेपर हो गए, युवाओं को भगाया इन्होंने और कुछ नहीं करा, सिर्फ फूट डाल ली सब में, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करी और कुछ नहीं है बीजेपी के बस की। तो ये जो ग्रामीण है इनका एक ही बात कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। और भी हमारे साथ ग्रामीण, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संजीव आचार्य। अच्छा संजीव जी, क्या समस्या है जो ये लिखा हुआ है गांव की? भाई सबसे ठड़ी समस्या तो मेरी है, मेरे यहाँ का गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, आज तक हमने उसके कभी गाँव में दर्शन नहीं देखे, यूँ कहता 14 दिन में पेमिट, 14 दिन में नहीं पेमिट होता, ये भी बताओ उसमें क्या आफत है कि सब मिलों का पेमिट है, मेरे जिले में 3 मील पड़े हैं, शामली मील अंग्रेजों का लगाया हुआ है, सबसे पुराना मील है, क्यों हमारे किसान यहाँ, हमने 16 दिन तक उस पर धरने भी दिए, वे भी दिए, भंडारे भी चलाए और फिर भी हमारा पेमिट नहीं हुआ, क्या दुश्मनी है जी, हमने सबने एक विश्वास करके उन्हें चुना था, मगाबा गन्ना मंत्री आ गया तो अपने जिला कम से कम पेमिट हो जाएगा और वो होती नहीं कर नहीं पाए, क्या हो गया जी। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, आपने भी अपने मकान पे लिखा हुआ है, क्यों लिख रखा है? बजी आक्रोश है पब्लिक में आपका। अच्छा जो पहले बात थी, जो बकावे में आके वोट दी थी भाजपा को भाई विकास के लिए, वो सिस्टम बना नहीं होगा। अच्छा तो समस्या है? समस्या तो छुट्टे संडू की है, खेत खा जा सारे गेहूँ बूरे जही अपने नाम के वो सब यहीं खा जा। अच्छा बीजेपी वाले कहते हैं कि क्या नाम जी, हमने बहुत विकास किया है, विकास गन्ने का पेमेंट कराया है, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में पेमेंट हुआ है। हमारा पेमेंट पिछला बकाया है जी, अभी कितना बकाया है? 1 महीने का पूरा बकाया, जो पिछले साल का सीजन था नहीं जी 21-21 वाला, उसका भी 1 महीने का बकाया। कितनी ज़मीन है आपकी? 40-50 बीघे। तो कितना बकाया होगा 1 महीने का? 1 महीने का कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो बकाया है जी हमारा भी। तो ये थे हमारे साथ लीलोन गांव के ग्रामीण, जिनका कहना है कि हम बीजेपी से काफी नाराज है क्योंकि उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कैमरामैन क्रांति कुमार के साथ पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।